वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 28 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मल्टीप्लाई है या डेसिमल में है, मल्टीप्लाई 2.0.2 मल्टीप्लाई 4 है। इसको किस तरह से हम लोग डेसिमल करेंगे देखते हैं। 2 4 जाए 8 होगा, हम लोग डेसिमल बाद में लगाएंगे या एक नंबर का है इसीलिए हम लोग लगाएंगे भी, तो कोई गलत नहीं होगा। 0 से 4 को करेंगे मल्टीप्लाई 0 होगा। अब यहाँ देखना है कि क्यों होगा, यहाँ ये एक नंबर के बाद है डेसिमल, तो हम लोग एक नंबर के बाद ये दे देंगे। इसी तरह से 9 8 जा 72 का 2 और 57 और 8 से 0 करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 और ये 7 यहाँ एक अंक के बाद है। जितने नंबर के बाद हम लोग को रहेगा उतना ही नंबर के बाद हम लोग को ये लगाना है। ये 0.4 है मल्टीप्लाई 12 है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 0 से ये 0 होगा, 4 1 जा 4 और 0 से 1 को तो 0 ही होगा, तो ये होगा 8 या 4 होगा। अब ये एक नंबर के बाद ही हम लोग को डेसिमल है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कितने नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद है, यहाँ लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है, 1 1 है, यहाँ 1 ही होगा, 9 1 जा 9 1 1 जा 1 9 1 जा 9, ये 1 9 1 10 0 1 कैरी 9 1 10। अब यहाँ देखना है, यहाँ एक ही अंक के बाद हम लोग को डेसिमल है, हम लोग को यहाँ भी वही करना है, एक ही अंक के बाद ही डेसिमल देना है। यदि हम लोग बनाते हैं सिस्टम में तो यहाँ देते हैं फिर यहाँ देते तो गड़बड़ हो जाता, इसीलिए डेसिमल बाद में दिया जाता है। जितने हम लोग को नंबर के बाद रहेगा उतना ही नंबर के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे। उसी तरह से 4 3 या 12 2 1 कैरी 3 2 जा 6 1 7 और ये 3, 4 1 जा 4 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ये 2 4 7 11 1 3 2 5 कैरी 6 ये 1। कितने नंबर के बाद है, तो 1 नंबर के बाद है, तो वहाँ हम लोग उसी तरह से इसको देखेंगे। यहाँ 7 5 जा 35 कैरी, यहाँ 4, उसके बाद ये 9 7 और 2, उसके बाद है 5 3 1, ये 5 5 4 9 9 3 12 2 1 1 1 2, यहाँ 1 नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद ही डेसिमल लगेगा। इसी तरह से हम लोग इस सबको सॉल्व करते जाएंगे, 2 1 जा, उसके बाद हम लोग जी नंबर सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 1 2 और ये 0, 6 2 जा 12 1 कैरी 6 1 7 और ये 0, ये 4, ये भी 4, यहाँ 7 0। कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद डेसिमल है, हम लोग 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेंगे। हम लोग इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एच है, 2 3 4, 5 2 जा 10 1 कैरी, 5 3 जा 15 1 16 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, ये 2 3 0 1 कैरी 1 1 2 और ये 2। कितने नंबर के बाद है, यहाँ से 2 नंबर के बाद है, तो यहाँ से हम लोग 2 नंबर के बाद लगा देंगे। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, नीचे भी ये 7 है, ये 7 7 जा 49 9 और ये 8 7 जा 56 और ये 4 60 0, 9 7 जा 63 और ये 69 और ये 4 7 जा 28, 8 2 कैरी, 8 4 जा 32 और 32 और 2, 4 9 9 4 जा 36 और ये 3 39, ये 9 या 8 3 13 1 कैरी 16 1 कैरी और ये 3 1 4। ये कितने नंबर के बाद है, हम लोग को 2 नंबर के बाद है, हम लोग 2 नंबर के बाद ही है पॉइंट डालेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 42 2 4 कैरी 6 और ये 6 0 और ये 4 है, तो 4 होगा, यहाँ यहाँ 0 ही होगा, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 12 होगा, 6 2 जा 12। उसी तरह से नीचे है, 7 3 जा 21 2 कैरी, ये 0 होगा, तो ये 2 वाला था कैरी, वह 2 यहाँ होगा, यहाँ 0 ही होगा, 3 2 जा 6, ये 2 यहाँ 5 यहाँ भी 2 ये 2 और 6 1 7।
अभी कितने नंबर के बाद है हम लोग का डेसिमल, 1 2 3, हम लोग नीचे से राइट से जो है ना ये लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 1 2 3 डेसिमल यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर के देखेंगे, के को हम लोग सोल्व करेंगे 30 0 6 2 12 और 3, 3 6 2 12 और 3 15 5 3 कैरी और 6 और 3 6 1 6 और 1 कैरी 7 और 6 3 18 5 8 40 0 4 कैरी 16 और 4 0 और 8 ये भी 0 और 3 8 32 और ये 3 8 24 और 1 25 ये 0 5 7 8 5 1 6 8 2 कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 3 के नंबर के बाद हम लोग डेसिमल दे देंगे। क्वेश्चन नंबर ये है एल, ये 32 2 3 कैरी 8 और 3 11 1 कैरी 0 1 होगा, 4 4 16 8 2 6 1 होगा, 8 3 24 4 2 कैरी 3 2 6 और 2 8 ये क्या होगा 0 होगा और 4 3 12। उसके बाद है 2 से 8 2 16 6 1 कैरी और 2 2 4 1 5 और 0 से 2 को 0 और 4 2 8 2 4 1 5 ये 15 5 1 कैरी ये 5 है 1 कैरी है 6 और 5 11 और 1 12 2 1 कैरी 2 1 3 है ये 4 8 1 9। अब कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 3 हम लोग 3 नंबर के बाद ये डेसिमल दे देंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर एफ है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एफ नंबर क्वेश्चन क्या है, 2.34 मल्टीप्लाई 10 दिया हुआ है, हम लोग इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो हम लोग इसको पहले बना करके पहले देखेंगे किस तरह से ये बनेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो क्या होगा। तो ये 2.34 है, इसको मल्टीप्लाई 10 है भाई, इसको करेंगे हम लोग डिवाइड कर। अब इसको हम लोग डिवाइड में करेंगे तो हम लोग पहले ये डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो जितने नंबर के बाद डेसिमल था उतना ही जीरो नीचे आ जाएगा, क्या आएगा 1 के बाद 00 आ जाएगा। अब 00 आएगा तो ये 10 से ये 0 कट जाएगा, बचेगा क्या हम लोग का, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो इक्वल टू 2 3 4 होगा, ये 3 है 2 3 4 होगा। अब ये हम लोग का ये कितना है, ये 10 है, 10 है तो हम लोग को 1 नंबर के बाद ये डेसिमल देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2.34। अब सिंपल सी बात है, यहाँ देखना है, यहाँ हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं 10 है तो 10 है तो हम लोग यहाँ 1 नंबर के बाद डेसिमल देंगे, जहाँ ये 20 होगा हम लोग 2 नंबर के बाद डेसिमल दे देंगे, तो हम लोग का ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन इसको हम लोग इसको सोल्व करके देख सकते हैं, नहीं भी सोल्व करेंगे तो हम लोग को सीधी सी मतलब लगा देना है कि 10 है, 10 है तो हम लोग क्या करेंगे इसको 1 नंबर के बाद डेसिमल दे देंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, इसको भी हम लोग सोल्व करके देखेंगे क्या है, 8 9 यहाँ 0 1 5 है मल्टीप्लाई, ये 10 है तो हम लोग को क्या है, ये डेसिमल के बाद जितना नंबर है उतना ही हम लोग 0 लगाते हैं, तो ये 1 पर कितना है 3 है, 3 नंबर है तो ये डेसिमल यहाँ से खत्म हो जाता है। अब ये 10 को 10 से 10 कट जाएगा तो हम लोग कितना 0 बचा, 1 और 2, तो ये डेसिमल यहाँ हो जाएगा, 1 5 के बाद डेसिमल हो जाएगा, क्या हम लोग लिखेंगे इसको, इसको हम लोग आंसर होगा 8 9 0.15 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्यों होगा, ये ध्यान देना है कि जितना 0 जितना नंबर पर रहेगा वो ये पॉइंट जो है उतना ही राइट साइड खिसक जाएगा, मतलब ये है 10 है तो हम लोग 10 पर, लेकिन ये 10 100 1000 पर ही लागू होगा और दूसरे नंबर पर लागू नहीं होगा। ये ऐसा नंबर हो जैसे कि 1 के बाद जितना नंबर हो, मतलब 50 हो 40 हो 20 हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो 0 वाला नंबर पर ही ये लागू होगा, दूसरे नंबर पर नहीं लागू होगा। इसलिए कि यहाँ हम लोग ऊपर देखे हैं, बना करके देख चुके हैं पहले, ये 0 वाला है इसीलिए हम बता रहे हैं, ये डेसिमल जहाँ है जितना नंबर 0 है या 100 होता तो हम लोग 2 के बाद देते, ये 10 है इसीलिए हम लोग एक राइट साइड बढ़ा करके हम लोग
ये लिखेंगे और इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी है, सी को भी हम उसी तरह से देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग को समझ में आ गया है तो हम लोग क्या लिखना है इसका, 1 3 यहाँ 4 है तो यहाँ एक नंबर के बाद है तो हम लोग इसको क्या होगा, एक नंबर जो खिसकेगा तो यहाँ तो लास्ट में ही है, एक नंबर यहाँ खिसक जाएगा तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा, तब ये क्या का होगा 1 3 4 2 होगा। यदि डेसिमल दे करके आप 0 0 भी दे देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि यहाँ डेसिमल का इसके बाद कोई मतलब नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से यहाँ 100 वाला को देखना है, जिस तरह से हम लोग 10 को किए हैं उसी तरह से हम लोग 100 को भी देखेंगे। तो यहाँ क्या है 4 3 यहाँ 4 है, ये डेसिमल है, उसके बाद 0 0 लगा हुआ है, तब कितना 0 है 1 2 है, तो यहाँ 1 2 दिया हुआ है, तो 2 के बाद जो ही ये नंबर यहाँ से यहाँ बदलेगा यहाँ डेसिमल हो जाएगा, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं है, वही 0 0 हो जाएगा। जैसे इसीलिए 4 3 4 ही इसका आंसर होगा। अब इसका देखना है तो इसको क्या है 1 3 2 5 है, अब ये मल्टीप्लाई 100 है, अब यहाँ 3 नंबर है तो हम लोग 2 ही नंबर खिसकाएंगे, तो 3 और 2 के आगे लगाएंगे, ये डेसिमल जो है 2 नंबर पर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या होगा 1 नंबर आगे ये डेसिमल आ जाएगा। उसी तरह से 8.7 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 87 लिखेंगे, अब ये 2 नंबर है तो 2 नंबर तो है नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे सिर्फ 87 ही लिखेंगे। यहाँ 0 दे सकते हैं, उसके बाद पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें क्या था, इसके बाद नंबर नहीं था, तो नंबर नहीं था मान सपोज दैट यहाँ 1000 होता या 1 लाख होता तो उतना ही 0 इसके इसके नंबर के बाद हम लोग को लगाना पड़ेगा, इसलिए लगाना पड़ेगा कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है तो हम लोग 870 ही देंगे, यहाँ 1000 होता हम लोग 8700 देते, ये इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, राइट द प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर ये है 1.67895 मल्टीप्लाई 1000, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और कितना आंसर आएगा, और उससे पहले हम लोग 1 2 में देख चुके हैं लेकिन इसको फिर एक नंबर हम लोग 1 2 समझा दे रहे हैं पहले। ये है 1 6 7 8 9, ये 5 है, यहाँ डेसिमल है, कितना नंबर के बाद डेसिमल है 1 2 3 4 5 नंबर के बाद डेसिमल है, तो भाई कितना लिखेंगे 1/5 0 डालेंगे, 3 4 5 होगा, और ये मल्टीप्लाई यहाँ 1000 है, ये 1000 है तो ये 3 0 से हम लोग ये 3 0 कट जाएगा, अब बचेगा 2 0 बचेगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 6 7 8 1 6 7 8 8 9 5। अब यहाँ कहाँ आएगा ये डेसिमल कहाँ चलाएगा, अब ये 2 0 है, 2 0 है तो ये 2 नंबर के बाद हम लोग डेसिमल देंगे, यहाँ जितना 0 हम लोग को बचा है उतना ही डेसिमल देंगे। अब सिंपल सी बात है क्यों देंगे, तो ये भी देखना है हम लोग को कि यहाँ 2 0 बचा हुआ है, ये हम लोग डिवाइड करके देख चुके हैं, इसीलिए हम लोग इसको इतना ही डेसिमल देंगे, इतना ही नंबर पर डेसिमल देंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये है बी है, तो इसका क्या होगा 7 6 2 5 8, ये 3 है, अभी इसको भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे, यहाँ डेसिमल है तो कितने नंबर के बाद है 4 नंबर के बाद है, सवाल भी 4 0 आएगा, 4 0 आएगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 0 ही है, ये 4 0 से 4 0 खत्म हो जाएगा, 4 0 जो भी खत्म हो जाएगा तो ये डेसिमल 4 नंबर के बाद आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 नंबर के बाद डेसिमल आएगा तो यहाँ बाहर आ जाएगा, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, इसका सेम आ जाएगा 7 6 2 5 8 3, इसका आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी है, अब इसको देखना है तो ये थोड़ा सा समझ में आएगा, अब इसको बनाएंगे तो ये है 0 है 1 2 यहाँ 5 है, ये मल्टीप्लाई 1 लाख है, 1 2 3 4 5 है, अब यहाँ नंबर क्या है, यहाँ नंबर हम लोग को तो ये 3 नंबर ही है, अब 3 नंबर देंगे तो क्या होगा 3 0 ही आएगा, ये 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा इसके पास 2 0, तो 2 0 क्या होगा, तो ये 2 0 स्वाभाविक है कि यहाँ है डेसिमल, अब बचा है यहाँ 2 0, तो इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग को ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ये नंबर हम लोग को आगे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 1 2 5, ये 0 0 हो जाएगा, 00 हो जाएगा इसका आंसर। ये हुआ कैसे इसको हम लोग देखेंगे, तो ये 1 2 5 है, यहाँ क्या 0 दिया हुआ है, हम लोग पहले 10 डाता था तो 1 के बाद देते थे डेसिमल, यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे 0, तो ये 1 यहाँ से जाएगा, यहाँ से डेसिमल जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा,
यहाँ जीरो जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, इसमें इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा, तो ये 1 2 3 4 5 होगा। तो ये डेसिमल के बाद हम लोग 5 0 जो भी बढ़ाएंगे तो तीन के हिसाब, तीन तो नंबर हमारे पास है ही, अब दो नंबर खाली है, दो नंबर के बाद हम लोग को डेसिमल देंगे, तो ये 5 तो यहाँ है, इसके बाद डेसिमल दे सकते हैं, ये 0 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें था, यहाँ 4 0 था, हम लोग को 1 2 3 4 नंबर मिल गया, तो 4 नंबर जब मिला तो हम लोग को डेसिमल यहाँ बाहर आ गया, तो डेसिमल के बाद ये डेसिमल के बाद 0 0 आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से ये क्वेश्चन इसमें है, इसमें नंबर नहीं था, इसीलिए हम लोग को बताना पड़ा कि क्यों होगा। अब उसमें इसमें देखना है, ये 19 है और ये 35 है, उसी तरह से हम लोग किसको करेंगे, 1 9 3 5 है, अब यहाँ 4 0 है, यहाँ 2 ही नंबर है, तो 2 नंबर है, तो यहाँ से जब बढ़ेगा तो ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ 3 और 4, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, इसका भी नंबर 0 आएगा, इसका भी 0 होगा, ये नंबर का ये जो नंबर है इसका नंबर यही 0 हम लोग काउंट करेंगे इसके आगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 1 9 3 5, ये 00। 00 क्यों करेंगे, ये 0 जो इसका है, इसका 0, यहाँ से हम लोग इस तरह से निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ 20 एक्स्ट्रा आएगा, इसका हम लोग को ये 19350, उसके बाद हम लोग यहाँ डेसिमल दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर ये है, ये है, ये में है, इसमें क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 नंबर है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 नंबर है, तो यहाँ से चलेगा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अब इसको क्या लिखेंगे, ये डेसिमल है और यहाँ 4 5 है, इसको हम लोग ये 4 5 लिख सकते हैं, इसलिए 4 5 लिखेंगे कि ये डेसिमल उठ करके यहाँ चलाएगा, 45 के बाद चलाएगा, 45 के बाद डेसिमल चलाएगा, उसके बाद आप 0 दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, या तो इस डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर 45 ही होगा। इसलिए हम समझाएं कि ये नंबर जो है ये 0 यहाँ यही आएगा उठ करके, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे इस तरह से, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 45 होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, तो सिर्फ एक 0 इस पर आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 0 0 1 2, और यहाँ 0, यह 3 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, इसीलिए हम लोग इसका 4 नंबर के लिए एक 0 देना ही पड़ेगा, इसके बाद हम लोग डेसिमल दे सकते हैं, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। मुझे आशा है कि मैं समझाया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये सिंपल है, ये इतना ही ध्यान देना है कि ये 0 वाला नंबर पर हम लोग इस तरह से ये राइट से हम लोग ये लेफ्ट से काउंट करके राइट की तरफ जाएंगे, और जितना 0 रहेगा उसी के बाद हम लोग उतना ही डेसिमल बढ़ा देंगे। यहाँ 4 5 0 है, तो 5 नंबर के बाद डेसिमल आएगा, तो ये 0 0 हम लगा भी सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे उसे कोई मतलब नहीं है, ये 45 आएगा, और डेसिमल के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। मुझे आशा है कि मैं समझाया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।